जेई मेन और नीट में 21 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फुल स्कोर किया था, और अब इस वीडियो में मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि कैसे 22 के लिए आप सिस्टमेटिकली इतना टाइम अवेलेबल है कि फिजिक्स में फुल ऑन फुल स्कोर की तरफ कन्वर्ज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर जेई एडवांस की बात करें तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर हमारे स्टूडेंट मृदुल अग्रवाल ने तो फिजिक्स में भी फुल स्कोर जेई एडवांस में कर डाला था। ऑल दो जेई मेन और नीट में भी अगर स्टूडेंट इन स्ट्रेटजीज को बेस लेवल पर फॉलो करते हैं, जिनकी मैक्रो स्ट्रेटजीज में इस वीडियो मैं बताऊंगा, अगर फॉलो करते हैं तो फुल ऑन फुल तक नहीं भी पहुंचे तो काफी अच्छे स्कोर 80-90-95% तक आराम से पहुंच सकते हैं। जितना आप चीजों को ज्यादा सिस्टमेटिकली और सीरियसली लेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में कि कंपटीशन कितना ज्यादा टफ होने वाला है, तो अभी से सीरियस रहें। फिजिक्स को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनानी है, फिजिक्स गैलेक्सी चैनल इज देयर टू हेल्प यू आउट। नाउ हैव अ लुक ऑन स्कोरिंग फुल इन जेईई 22। फिजिक्स के तीन क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, दीज आर मैक्रो स्ट्रेटजीज, इन्हीं को इन डेप्थ आने वाले वीडियोस में भी मैं बताता रहूंगा। As far as physics content is concerned, everything is available on our channel Physics Galaxy, और कई सीरीज जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, ऑनियन फिजिक्स और बाकी भी नई चीजें चैनल के ऊपर आने वाली है। एडवांस प्रिपरेशन के स्टूडेंट्स के लिए नए एडवांस इलस्ट्रेशन भी आने वाले हैं। सर्टेनली मुझे टाइम कम मिलता है, लेकिन जितना मिलता है या तो मैं इन स्ट्रेटजी और टिप्स की चीज़ें शेयर कर लेता हूं, मोटिवेशनल फैक्टर शेयर कर लेता हूं, लेकिन फिजिक्स कभी रुक नहीं सकता, फिजिक्स तो लगातार आते ही रहेगा। धीरे धीरे अब थोड़ा टाइम बैंडविड्थ मिलने लगेगी तो फिजिक्स के वीडियोज़ भी एट अ स्ट्रेच आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इफ वी टॉक अबाउट दीज फैक्टर्स, द वेरी फर्स्ट थिंग इज एनसीईआरटी एंड रिविजन चेकलिस्ट। आई नो जो अभी स्टूडेंट 12th में है, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है या होने वाला है, उनके लिए बहुत क्लियर कट बेस गाइडलाइन है कि अब एनसीईआरटी पे स्ट्रांग फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टर्म वन एग्जाम पास है तो टर्म वन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इस बार जो जेई मेन और नीट के पेपर होंगे वो टर्म वन के एमसीक्यू के लेवल पे होंगे। दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टर्म वन के आपको सभी इंस्टीट्यूट्स ने जिस भी सिस्टम से आप जुड़े हुए हैं सैंपल पेपर्स दिए होंगे, बट बोर्ड सैंपल पेपर्स को अच्छी तरह से केयरफुली अलाइन कर लीजिएगा और एनसीईआरटी रीडिंग पे स्ट्रांग फोकस करें, क्योंकि इस बार भी चाहे जेई मेन हो या नीट हो, जेई मेन के मैं काफी स्पीड सॉल्यूशंस डाल चुका हूं, बहुत जल्दी सारे स्पीड सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नीट के लिए अगला वीडियो आने वाला है जिसमें मैं इस साल के नीट के 50-on-50 क्वेश्चंस में कोशिश करूंगा 45-50 क्वेश्चंस के एनसीईआरटी डायरेक्ट लिंकेज पेज नंबर के बता दूंगा, ताकि जो स्टूडेंट अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहता है, उस वीडियो से पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो मैपिंग की जा चुकी है हर क्वेश्चन का, एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन सा है जिससे वो बना हुआ है, एज इट इज मैच करता हुआ या डायरेक्ट लैंग्वेज मैच करता हुआ, अगले वीडियो में आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, जेई मेन स्पीड सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहें। एनसीईआरटी के साथ जो रिविजन चेकलिस्ट है ऑलरेडी, जेई मेन की और जेई एडवांस की बूस्टर चेकलिस्ट भी हमारे चैनल पर पूरी अवेलेबल है। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो 11th के टॉपिक से जो स्टूडेंट 12th में है या 12th पास जो जो टॉपिक खत्म हो चुके हैं, रिविजन चेकलिस्ट को वॉच करना शुरू कर दीजिए, और रिवीजन चेकलिस्ट से जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कुछ घंटों में रिवाइज करने में बहुत जबरदस्त हेल्प करेंगे। पिछले साल भी 21 में मेजर स्टूडेंट हु फॉलोड रिवीजन चेकलिस्ट डेडिकेटली, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के फुल ऑन फुल स्कोर रहे हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पीवाईक्यूज एंड डीपीवाईक्यूज। स्टूडेंट को लग रहा होगा ये डीपीवाईक्यू क्या चीज होती है, ये भी पहले इनडायरेक्टली बता चुका हूं। डीपीवाईक्यू और डिराइव्ड पीवाईक्यूज वी आर आल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अपकमिंग वीडियो की डिराइव्ड पीवाईक्यू किस तरीके से वर्क करते हैं, लेकिन मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके पास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक के, तो उन 10 क्वेश्चन से और कौन से 20 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कौन से डिराइव किए जा सकते हैं, वो डिराइव्ड पीवाईक्यू यानी कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज अलग है, सिचुएशन अलग करके सेम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है या उस क्वेश्चन में से और क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये वाले डिराइव्ड पीवाईक्यूज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप हमारे चैनल पर ढूंढेंगे तो डिराइव्ड पीवाईक्यू का वीडियो भी मिल जाएगा जो मैंने 21 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, लेकिन 21 का पेपर होने के बाद बेस्ड ऑन दैट जो इनसाइट मिली है 22 के पेपर के लिए, बहुत जल्दी मैं डिराइव्ड पीवाईक्यू का वीडियो भी ले आऊंगा। बट आप लोग हर जेई मेन या नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हर उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड जितनी चीजें बन सकती हैं अपने आप क्वेश्चंस बना के सॉल्व करते रहिए, वही डायरेक्ट पीवाईक्यू होते हैं। इसके रिफाइनमेंट हम अगले वीडियो में करेंगे। लास्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो अबाउट स्कोरिंग फुल इन फिजिक्स इज रीडिंग रिसोर्सेज।
हम सबसे पहले रिकमेंड कर चुके हैं फिजिक्स गैलेक्सी की जो 5 वॉल्यूम बुक है, जिसका 1 वॉल्यूम अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, 6 वॉल्यूम आने वाला है, लेकिन इन 5 वॉल्यूम्स को अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं तो नीट और जेईई मेन का 95% सिलेबस पूरा होता है, और जेईई एडवांस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 100% सिलेबस पूरा होता है। इसकी रीडिंग आप करते रहें, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप रीडिंग में ले सकते हैं। सो जेईई मेन, नीट या जेईई एडवांस के लिए रीडिंग रिसोर्सेज का वीडियो भी कमिंग वीक में रिलीज कर दूंगा। काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं, पहले भी मैंने कमिट किया था बट टाइम कम होने की वजह से वो वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है, तो उस पर ट्यून रहे। जेईई मेन का अलग होगा, नीट का अलग होगा। रीडिंग रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग बहुत अलाइंड है तो आप ये मान के चलिए आप क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते दिमाग में सही इंटरप्रेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स कटने का ये रीजन होता है क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ने में, गलत इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व नहीं होता, या अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होने से पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं होता और एग्जाम में फाइनली मार्क्स लूज कर देते हैं। तो अगर प्रॉपर रीडिंग रिसोर्सेज को आप फॉलो करते हैं, यानी डेली अगर मिनिमम 45 मिनट टू 1 आवर कुछ ना कुछ रीडिंग, चाहे फिजिक्स के किसी भी टॉपिक की, अगर आप करते रहेंगे 45 मिनट इज क्वाइट सफिशियंट, अगर इतना टाइम आप निकाल लें तो आप ये मान के चलिए ये रीडिंग रिसोर्सेज आपकी इंटरप्रिटेशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई दिस 45 मिनट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। हां, अब क्योंकि 22 के स्टूडेंट्स का 12th वालों का सिलेबस खत्म हो गया है तो रीडिंग आप आधा घंटा भी देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब टाइम लगता है, 45 मिनट्स टू 1 आवर रीडिंग को दें, क्योंकि रीडिंग एनालिसिस स्ट्रांग है तो आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ती है। माय डियर स्टूडेंट, ये 3 ऐसे मैक्रोज हैं, मैक्रोज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हीं के डीप माइक्रो एनालिसिस और माइक्रो एग्जीक्यूशन कैसे करना है अपकमिंग वीडियो में आपको मैं बताता रहूंगा। चैनल के साथ आप ट्यून रहेंगे तो सारी चीजें आप तक टाइमली पहुंचती रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी इन मैक्रोज को दिमाग में फिट करना है कि ये 3 मैक्रोज सबसे बड़े फैक्टर हैं जो जेईई मेन नीट में, इन दो में, जेईई एडवांस की तो डायरेक्ट मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जेईई मेन नीट में इतने सारे स्टूडेंट फुल ऑन फुल स्कोर करते रहे, और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट रहे और कई ऐसे जो हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं भी रहे हैं, मेरे उनसे भी डिस्कशन हुए हैं, फिजिक्स गैलेक्सी के स्टूडेंट्स ने उनसे बातचीत हुई है, डिस्कशन हुए हैं। फाइनली ये 3 ऐसे मैक्रोज निकल के आए हैं, मैं फिर बता रहा हूं कि इन तीनों चीजों को रिलीजियसली डेडिकेटेडली फॉलो करना मीन्स यू विल सर्टेनली कन्वर्ज ऑन फुल स्कोर इन जेईई मेन और नीट फिजिक्स। विश यू ऑल द बेस्ट।